हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैक्सियो फोरी में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि हम किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपने मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जैसा कि हमें यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिलीट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना। अब हमारा इंस्टाग्राम ऐप ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर चले आना है। अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर लेफ्ट कोने में अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम देखने को मिलेगा। इस पर हमें सिंपल सा टैप कर देना है। अब जैसा कि यहाँ पर यदि आपके मोबाइल में एक से अधिक इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिंग होंगे, तो सारे के सारे आपको इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर शो होंगे। तो आपको उस वाले इंस्टाग्राम को यहाँ पर ओपन कर लेना है जिसे आपको यहाँ से डिलीट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर राइट कोने में ट्रिपल लाइंस देखने को मिलेंगे। इस पर हमें सिंपल सा टैप कर देना। अब हम जैसे ही ट्रिपल लाइंस पर क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेज शो होता है। तो हमें यहाँ पर ऊपर में ही अकाउंट सेंटर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हम जैसे ही अकाउंट सेंटर पर क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पेज शो होता है। हमें यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हम जैसे ही पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम की पर्सनल डिटेल्स शो होती है। हमें यहाँ पर नीचे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर डीएक्टिवेशन और डिलीशन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमें इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपने इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर शो होगी। हमें इस पर टैप कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट। तो अब जैसे कि हमें यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को या फिर आईडी को डिलीट करने का एक रीजन यहाँ पर इंस्टाग्राम को यहाँ पर दे देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आप कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम के पासवर्ड को यहाँ पर एंटर कर देना है। यदि आप यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पासवर्ड को यहाँ पर भूल जाते हो, तो आप यहाँ पर नीचे फॉरगेट भी कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब हम जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है डिलीट अकाउंट। इसके ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे कि डिलीट अकाउंट करने से पहले हमें यहाँ पर एक डेट शो हो रही है, यानी कि हम जिस भी डेट से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करते हैं, तो हमें 30 दिनों तक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिंग नहीं करना है, नहीं तो वो वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक डेट भी शो होगी। इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब हम दोस्तों जैसे ही डिलीट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाएगा। बस आपको 30 दिनों तक अपने इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिंग नहीं करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर मेरा ओल्ड अकाउंट यहाँ पर ओपन हो गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।